हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज का व्लॉग MWC के सेकंड पार्ट की व्लॉग है। इसको पहला पार्ट में मांगा ओला ऊबर की कैब के बारे में बताया गया है और चीपेस्ट वे में आप चेन्नई कैसे घूम सकते हैं। आप पहली बार चेन्नई विजिट कर दो तो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से आपको चेन्नई पार्क में वहां से कैसे चीपेस्ट वे में आप चेन्नई का MWC में विजिट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने पहला पार्ट में बनाई गई है। आपने अब तक वो मेरा वीडियो देखा नहीं है, ऊपर आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैंने बेसिकली कवर करने वाला हूँ MWC के और भी कुछ पार्ट्स थे, हमने पहला वीडियो में डाल नहीं पाया था क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो रहा था वीडियो, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। तो के लिए तो वीडियो पूरा देखना, देखते रहना, उनको बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। उनका माँ बाप लोग आएगा, उनका फैमिली आएगा, तो उनको पता चलेगा MWC कैसे दिखता है। ऐसे बहुत कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो तो बताने वाला हूँ, तो वीडियो शुरू से लेकर वीडियो अंदर देखते रहना, बिना ना स्किप करे बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फिर हम अभी यहीं से आगे गए थे, अब हम यहाँ से लेफ्ट लेने वाला हूँ। लेफ्ट लेके आगे अंदर हमें कौन कौन सा कंपनीज देने मिलेगा, इसका नाम है फर्स्ट एवेन्यू, सेंट्रल एवेन्यू का रोड का नाम है। यहाँ पे कुछ कंपनी का मेंशन है डिटेल। पहला होता है डाउनटाउन कॉर्पोरेट स्टे। जो पहली बार आप MWC में विजिट कर रहे हो तो आपको डाउनटाउन में कॉर्पोरेट का स्टे होता है, वहाँ पे आपको रहना पड़ता है। और इसका NCR कॉर्पोरेशन है, TT के मैप से जीवन हॉस्पिटल है, इसके अंदर आपको हॉस्पिटल देखने मिलेगा। B.Braun है, फ्राइड सिस्टम है, और क्राइलॉन है, लियन ऑटोमोटिक है, और BSF कैटलिस्ट है, और सेकंड एवेन्यू रिटेल एवेन्यू। ये है BSF जो लास्ट मैंने पढ़ा था वही नाम का कंपनी, ठीक है, अब याद नहीं आ रहा कंपनी का नाम मुझे। और ये है MWC का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कंपनी वगैरह देखने को मिलेगा, और सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाने वाला हूँ। और आपको पहला आपको कंपनी मिलेगा BASF, वी क्रिएट केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के ऊपर है ये कंपनी। ये महकमा का गाड़ी यहीं से निकल रहा है, और आपको यहाँ पे लियर नाम से कंपनी है, ये भी एक ऑटोमोटिव प्रोडक्ट का ऊपर काम करता है। मतलब बेसिकली ऑटोमोटिव प्रोडक्ट मतलब गाड़ी नहीं बनाती है, एक गाड़ी का प्रोडक्ट मॉड्यूल बनाती है, वो कुछ भी हो सकता है, मुझे इतना ज़्यादा डिटेल आइडिया नहीं है, पर मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें इस वीडियो थ्रू बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे आपको कैलॉन कॉस्मेटिक, ये कॉस्मेटिक बेस्ड कंपनी है, आपको इसका मेन एड्रेस आपको यहाँ पड़ेगा। और यहाँ पे फ्लाइट सिस्टम है, फ्लाइट सिस्टम मतलब क्रेन वगैरह होता है, उनका मॉड्यूल वगैरह बनाती रहती है ये। और यहाँ पे B.Braun नाम से कंपनी है, इनका मेन एड्रेस आपको राइट हैंड साइड में देखने को मिलेगा। ये सब आपको MWC के अंदर देखने को मिलता है। ये भाई शाहरा मोटर इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है, और ये है कंपनी की आगे का जो पार्ट है, काफ़ी अच्छे से ब्यूटिफिकेशन कर रखा है। आपको लेफ्ट साइड में छोटा सा एक पॉन्ड वाला देखने मिलेगा, बट ये आर्टिफिशियल है, अब इसमें पानी पूरा सूख चुका अभी। और हम सुबह से अभी यहीं से निकलते भी आगे गए थे, जब मार्केट एरिया में गए थे। हम अभी यहाँ से राइट लेके आगे जाने वाला हूँ, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखने मिलता है और सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। और ये है सालवियन कंट्री, ये अपार्टमेंट विलास है, और इस अंदर काफ़ी अपार्टमेंट वगैरह रहती है। और यहाँ पे असली पंजाबी खाना आपको यहाँ मिल जाएगा, और अमूल की दुकान वगैरह मिल जाएगा, चाय ट्रक मिल जाएगा, पिज़्ज़ा हट, फूड स्टोर, ऐसे काफ़ी चीज़ें मिल जाएगा। SBI की ATM वगैरह आपको इसके अंदर देखने मिलेगा, आपको अपना गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ के बैठ करके आप अपना अच्छी मोमेंट का टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे HDFC का बैंक वगैरह मिलेगा, ICICI बैंक मिल जाएगा, महिंद्रा का लाइफ स्पेस का एक सेक्शन है ये सब चीज़ें। और यहाँ पे MWC का क्लब, आपको डाउनटाउन की ये डाउनटाउन एरिया है, मतलब आपको मैं पहले बताया था ये MWC का क्लब है, ये जिसका मेन एंट्रेंस आपको मिलेगा। ये नॉर्मल इंसान यहाँ पे जा नहीं सकते, जिसके पास इनका एक्सेस होता है उनको मिलेगा ये। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब क्या आपको मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा MWC का क्लब की मेम्बरशिप आपको कैसे लेना होता है, क्या क्या प्रोसीजर्स होता है, सब कुछ बताऊँगा। तो हम आगे चल रहे, ये अभी यहाँ पे नया कंपनी वगैरह बन रहा है, उसका भी काम चल रहा है अभी। और ये है डाउनटाउन एरिया पूरा, ये MWC क्लब की पार्ट है ये पूरा एरिया, और ये ऐसा कुछ चीज़ें होने वाला है इन फ्यूचर में। सो यहाँ पे जीवन हॉस्पिटल है, यस डेंटल केयर भी है। तो ये है MWC अंदर का जो हॉस्पिटल, और यहाँ पे ये कैश क्लिनिक है, जगह आपको जीवन हॉस्पिटल में नहीं जाना है, क्लिनिक में जाना है, तो आप यहाँ पे भी एक क्लिनिक है। और ये है यहाँ का एक पूरा नज़ारा, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी खूबसूरत से बना रखा है MWC। और मैं आपको
कह नहीं सकते कि मैं अपना एक्सपीरियंस कितना चीज़ें मैं कितना डिटेल बता रहा हूँ मैं समझा नहीं पाऊँगा। यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, एक सिटी का पूरी तरह से एक पर्टिकुलर सेक्शन में बना रखा है तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर जो मैंने नॉर्थ इंडियन खाना खाया था उनका भी टेस्ट है ना वो स्वाद मस्त स्वाद था सच में यार, मुझे वो फील मिला था खा के कहाँ लगा था हाँ भाई मेहनत से खाना बना रहा है, ऐसा लगता नहीं है मैं मजबूरी में खाना बनाऊँ दूसरे को खाना खिलाऊँ पैसा कमाऊँ ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, खाना बहुत क्वालिटी था। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आप जब भी MWC विजिट करेगा आपको वो फील मिलेगा। ये हमारा पीछे है ये काफ़ी एरिया है, यहाँ पर भी शायद इन फ्यूचर में कंपनीज वगैरह आ जाएगा। वो जो आपको दिखेगा पीछे एरिया में वो पूरा आइरिस कोर्ट का पार्ट है, वो आइरिस कोर्ट का अपार्टमेंट के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में वीडियो में बताने वाला हूँ क्या रूम की कॉस्ट रहेगा क्या चार्जेस रहेगा और वहाँ पर 3 BHK में कितना कॉस्ट रहेगा 2 BHK में कितना कॉस्ट रहेगा 1 BHK में कितना कॉस्ट रहेगा ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें काम वगैरह चल रहा है, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर बन रहा है, शायद ये रेस्टोरेंट वगैरह बन सकता है शायद, मुझे पता नहीं अभी क्या बन रहा है, देखते हैं इन फ्यूचर। अगर इनोवा तीनों सोसाइटीज़ है बेसिकली, ये सोसाइटी का नाम मैंने अभी पता किया था तो इसलिए बता रहा हूँ। ये आपको जो सामने दिख रहा है ये आयरिस कोर्ट की पार्ट है ये, और इनके पीछे होता है आपको वो मिलेगा नोवा और उनका आपको राइट साइड में पड़ेगा आपको आयरिस कोर्ट, और ये है आपको सामने का विजुअल। और यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था अभी भी चल रहा है, शायद यहाँ पे भी कुछ कंपनीज या अपार्टमेंट वगैरह आने वाला है इन फ्यूचर या 2 साल का अंदर। और ये सेकंड क्रॉस वाला रोड है, ये है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी चेन्नई का नोवा सोसाइटी, ये है आयरिस कोर्ट महिंद्रा लाइफ स्पेस का एरिया है, ये भी सोसाइटी है। यहाँ पे काफ़ी कुछ दुकान वगैरह बाहर है, अब यहाँ पे कोकोनट का जूस वगैरह खा सकते हो पी सकते हो। और यहाँ पे नया एक अपार्टमेंट बन रहा है, पता नहीं ये किस चीज़ का अपार्टमेंट है बन रहा है अभी, ये महिंद्रा हैप्पीएस्ट वर्ल्ड सिटी नाम से कुछ चीज़ें मेंशन है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में वो चल रहा है। देखिए लग रहा है यार डेवलपिंग आने वाला बिजनेस कॉरपोरेटिव स्पेस बनने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर में, तो आपको फुल फ्लेज महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का एक रूप मिल जाएगा। अभी ये 2023 में वीडियो बन रहा है, तो ये है यहाँ का सीन विजुअल्स। परनूर स्टेशन का आगे का ऑटो स्टैंड वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये परनूर का अंदर का एक छोटा सा मार्केट एरिया है, यहाँ पे प्री स्कूल किड्स जोन वगैरह है, ये है किड्स जोन, ये दोसा क्लब है, ये रात में खुलेगा, रात में फिर से यहाँ पे विजिटर को आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे जूस कॉर्नर वगैरह मिल जाएगा, ये छोटा सा मार्केट है यहाँ पे। और हमारे सामने है आयरिस कोर्ट, अभी इसका अंदर जाके हम सब कुछ पता करेंगे इसका रूम का कॉस्ट वगैरह, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अंदर चलते हैं। और ये है आयरिस कोर्ट की अंदर का पार्किंग सिस्टम पूरा, और ये बाइक पार्किंग है, और ये हर बिल्डिंग के हिसाब से ऊपर रूम नंबर लिखा हुआ है, उस हिसाब से आप अपना गाड़ी पार्क कर सकते हो, जैसे कि इस गाड़ी का यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर ये ब्लॉक डी में पड़ता है एरिया, तो यहाँ पर लिफ्ट पड़ेगा, तो अभी मैं बताने वाला हूँ आयरिस कोर्ट के रूम रेंट के बारे में कितनी चार्जेस वगैरह लेता है ये सब चीज़ें। और ये है पूरा, तो लिफ्ट के लिए वेट करता हूँ, 10 फ्लोर से नीचे आ रहा है अभी। मेरा नाम है रिबिन, ये मेरा दोस्त मनीष है, ये चेन्नई में काम करता है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में, आज इसका रूम हम अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी ये रहता है आयरिस कोर्ट में, आयरिस कोर्ट क्या रूम की कॉस्ट वगैरह है सब कुछ ये बताएगा मैं। अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में आपको आयरिस कोर्ट में पागल गया तो ये आपको बताएगा आयरिस कोर्ट में आपको एक रूम की क्या कॉस्ट रहेगा। आपको ये डबल बेड की रूम है, तो ये इतना बेड के अनलिमिटेड आपको एमआई वगैरह मिल जाएगा, फर्निश समय मिलेगा, इसमें आपको एसी वगैरह मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से बात करो तो आपको मनीष बता देगा इस रूम की क्या कॉस्ट वगैरह रहेगा। बताइए मनीष क्या कॉस्ट रहेगा आपके रूम की? सो मैं अभी हूँ आयरिस कोर्ट का अपार्टमेंट का अंदर, इसके अंदर हमें 3 BHK का रूम मिल जाएगा, ये आपको मेन हॉल पड़ेगा, ये आपको बालकनी पड़ेगा, ये आपको किचन पड़ेगा, और आपको ये 3 रूम यहाँ पड़ेगा।
तीन रूम को मिलकर अराउंड इनका कॉस्ट पड़ेगा 25,000 रुपये, तीन लोग के हिसाब से मतलब 8,333 रुपये का रूम पड़ेगा, जिसमें हमें एसी मिल जाएगा, फैन मिल जाएगा, बेड मिल जाएगा, आपको अलमारी मिल जाएगा और सारी चीज़ें मिलकर ये रूम की कॉस्ट पड़ेगा 8,333 रुपये। बाकी आपको और भी चीज़ें मैं महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में दिखाने वाला हूँ। ये आईटी स्क्वाड की बिल्डिंग का एक फ्लैट की कॉस्ट है 25,000 रुपये, बाकी आप अपने हिसाब से आप घूम सकते हो। बताया यार आपने खुद रखा है एसी वगैरह? फुली फर्निश्ड है, मतलब आपको कुछ भी लेके नहीं आना पड़ेगा? ना, टेबल आपको खरीदना पड़ेगा। अच्छा, टेबल आपको खरीदना पड़ेगा और बाकी आपको सब कुछ चीज़ें मिल रहा है फ्लैट के समय, मतलब 8,333 रुपये में आपको वर्थ इट है। अब वो मेड वगैरह है या आप खुद करना पड़ेगा? मेड आपको ले सकते हैं, यहाँ का चार्ज है 1,200 रुपये से, मतलब मेड की चार्ज है पर पर्सन चार्ज है 1,200 रुपीज़ पर पर्सन। तो वैसे आपको कैसे लगा, कितना टाइम से आपको अभी यहाँ? मैं यहाँ पे 1.5 ईयर से हूँ। अच्छा, मैं महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में काम करता हूँ। अच्छा, आप ये व्यू ले सकते हैं, ये लेक व्यू है। अच्छा, ये लेक व्यू है, बेस्ट व्यू। मैंने भी देखा था लेक व्यू सिटी का रिसोर्ट प्लेसेस, तो 25 लाख का अराउंड आपको कॉस्ट पड़ेगा। ये आपका परनूर स्टेशन हो जाएगा राइट साइड। अच्छा, ये परनूर स्टेशन है यहाँ पे। ओके, ये है रूम की पूरा लुक एंड फील। बाकी हम चलते हैं, थैंक यू फॉर द सर्विस, थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू मनीष। साहब काफ़ी ज़्यादा बसेस आपको यहाँ देखने मिलेगा, मतलब आप परनूर रेलवे स्टेशन में आके हो तो आपको अपनी कंपनी के बसेस मिलेगा, उस कंपनी में बैठ के आप कंपनी के बसेस में बैठ के आप अपना कंपनी में जा सकते हो। ऐसा नहीं आप दूसरी कंपनी में बैठो तो दूसरी कंपनी पहुँच जाएगा, ऐसा काम मत करना। तो आपको पता होगा वैसे जैसे जाना कैसे जाना है। ये है बस स्टैंड, परनूर बस स्टैंड होता है, यहाँ पर आपको काफ़ी बसेस वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, अपनी कंपनी की बस होगा नहीं तो अपनी जाने के लिए बसेस होगा। काफ़ी ऑटो स्टैंड भी आपको वहाँ मिल जाएगा। हम अभी जाने वाले हैं दूसरी इंडस्ट्रियल एरिया में, वो भी MWC के अंदर ही है, जैसे कि BMW वगैरह हो गया ना, तो उस एरिया में जाने वाला हूँ, वो एरिया आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये सारी अपार्टमेंट्स है, MWC में। और ये पार्क वगैरह आपको देखना मिलेगा, ये तीसरा चाय का शॉप है। ऐसा तीन लोकेशन होता है MWC में, बेस्ट चाय आपको मिलेगा। आपको आगे मैं दिखाने वाला हूँ इंफोसिस कंपनी, आपको ये इंफोसिस कंपनी के बैक साइड है। आपको मैं पहले इसको फ्रंट गेट दिखाया था, आपको ये बैक गेट पड़ेगा। ये जो जस्ट ऑपोजिट में आपको महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्कूल्स बने मिलेगा आपको यहाँ पे, ये महिंद्रा वर्ल्ड स्कूल है, ये B32nd Avenue। मतलब काफ़ी अच्छे से सजा रखा है, काफ़ी अच्छे से ब्यूटिफिकेशन कर रखा है, गार्डन्स हो, नीचे का जो ड्रेनेज सिस्टम हो बहुत साफ है। एक पहला कट होता है
पहला कट होता है, आपको सीधे जाए हो तो आप जीरो गेट में पहुंच जाएगा जहां से हमने वीडियो शुरू किया है। अभी हम जा रहा हूं दूसरी एग्जिट में, जैसे पारनूर रेलवे स्टेशन के साथ, जैसे हमने एक दूसरा एग्जिट गेट होता है पारनूर, वहां से भी आपको पैसेज मिलता है, जैसे मैं आपको दिखाया था पैसेज वगैरह आपको वो हमें वहाँ मिलेगा। अभी ये होता है मोशा भी पेंट, यहाँ पे पेंट्स बनती है, और ये भी कोई कंपनी है, इसके नाम अभी पता करूँगा मैं। और इनका रोड्स वगैरह इतना अच्छा है, हर जगह हम वगैरह है, इस वजह से आप ड्राइव सेफली आराम से जाओ, मज़ा आएगा। और आगे आपको राइट हैंड साइड में एक कंपनी दिखने को मिलेगा, कंपनी का नाम वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं है, हम पता करेंगे इसके बारे में बाद में। और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें तमिल में है, कोई भी चीज़ें इंग्लिश में नहीं है। आप तमिलनाडु में जब भी आप विजिट करोगे आपको एक प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे बसेस की बोर्ड भी हो, यहाँ पे कोई भी साइन बोर्ड भी हो, सारी चीज़ें आपको तमिल में देखने मिलेगा, ना कोई हिंदी में मिलेगा ना कोई इंग्लिश में मिलेगा। ये आपको BMW ग्रुप ऑफ प्लान की शोरूम की मेन गेट मिलेगा, ये सारी एरिया आपको BMW का कंपनी आपको ये इस साइड मिलेगा, मतलब लेफ्ट साइड में देखने मिलेगा। ये सारी चीज़ आपको पार्किंग मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा, ये सारा फोर व्हीलर्स के लिए, ये टू व्हीलर्स के पार्किंग है। ये आपको महीने का कॉस्ट रहेगा, वो आप डिपेंड करता है हर कंपनी का क्या कॉस्टिंग रहेगा पार्किंग का। ये उनकी बसेस वगैरह है, यहाँ पे आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा। और इसका ये गुड्स ट्रक की एंट्री गेट वगैरह आपको इस साइड मिलेगा। ये सारी अपार्टमेंट्स होता है, मतलब सारी सारी रिच अपार्टमेंट्स होती है, मतलब ये सारी मिल जाते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह आपको दिखने को मिलेगा। अब हम उसके अंदर हम जा नहीं सकते, इनका जो मेन एंट्रेंस है आपको यहाँ मिल जाएगा। ये अक्वालिटी नाम से एक मेन गेट होता है, मतलब सोसाइटी का मेन गेट होता है। पेड़ काफ़ी लंबा हो रहा है मुझे पता है, बट ये सब चीज़ें देखने के लिए होता है। हर कोई बंदा MWC में जॉब नहीं मिल सकते उनको, जो बंदा MWC में जॉब मिल के यहाँ आ रहे हो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल करेगा। और ये नाली है, जो नाली अंदर चलती है वो नाली यहीं आके मिलती है ताकि दूसरे को दिक्कत ना हो। और ये काफ़ी बड़ा ओपन स्पेस है यहाँ पे, यहाँ पे शाम को बच्चा अगर गेम खेलते रहता है, क्रिकेट वगैरह हो गया। यहाँ पे एक नया स्कूल आ रहा है, यहाँ पे स्कूल के नाम लिखा है रमना विद्यालय कमिंग सून लिखा है, ऐसे होना चाहिए, वही है उनका बोर्ड वगैरह। और इनके जो मेन एडमिशन ओपन वगैरह या मेंशन है, डाउनटाउन की एक बिजनेस होटल है ये आपके सामने, ये होता, मैं आपको पहले बताया था यहाँ पे जो भी जॉब करने पहले आएगा उनको यही रुकवाया जाएगा, तो उनके लिए बना रखा ये। और ये आपको दिख रहा है ये वॉलीबॉल ग्राउंड है, इनका जो अंदर एरिया है ये MWC दिख रहा है रोड वगैरह, इनका जो अंदर का एरिया पूरा गांव है, तो गांव में तो मैं पहले गया था तो उसका शॉट मैंने ऑलरेडी ले रखा है, आपको वो मिल जाएगा वीडियो में।